Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. In His mercy and in His faithfulness, He has given us another new day. Let us uh, spend a few minutes in silence in the presence of the Lord and hear His voice before we set out to do our responsibilities. आइए इससे पहले कि आज के दिन हम अपने कार्यों में लग जाए और परिस्थितियों का सामना करें कुछ समय हम खामोशी में बिताए और इस मनन को करें मेडिटेटिंग ऑन द बी एटीट्यूड ऑफ जीसस क्राइस्ट और आजकल के दिनों में हम ये मसीह के उन पहाड़ी उपदेशों के ऊपर हम मनन टूडे वी शैल रीड फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर फाइव वर्स आज हम पढ़ेंगे मत रचित सुसमाचार उसका पांचों अध्याय उसका छ पद इट से ब्लेसड आर दे विच हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर राइटनेस फॉर देस बी फील्ड यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे इट टॉक्स अबाउट द हंगर एंड थर्स्ट। और यहाँ पर भूख और प्यास के विषय में बताया गया है बट इट इज नॉट अबाउट फिजिकल फूड लेकिन यहाँ पर ये शारीरिक भोजन के विषय में नहीं है हंगर एंड थर्स्ट आर एक्सप्रेशन

और परमेश्वर के धार्मिकता को हासिल करने के लिए हमें आ, किसी और से बढ़कर सबसे बड़ी इच्छा हमें उसी के लिए होना चाहिए टू हंगर एंड और भूखे और प्यासे होने का अर्थ यही है इंटेंस लॉन्गिंग और क्रेविंग फॉर गॉड एक बहुत बड़े इच्छा को रखना एक बहुत बड़े आशा और इच्छा को रखना परमेश्वर के उपस्थिति के लिए जो भूख और प्यास के विषय में बताया गया है वो आहार के लिए नहीं है या पानी के लिए नहीं है इट इज हंगर फॉर गॉड हिमसेल्फ ये स्वयं परमेश्वर पिता के लिए एक एक भूख, प्यास एक इच्छा है एंड uh, things to be conformed to the mind of God. और जो लोग अपने अंदर एक बड़ी इच्छा को रखते हैं किसी और से बढ़कर परमेश्वर को चाहते हैं Another way of saying is a deep longing. और एक और तरीका इस बात को बताने के लिए कि एक बहुत गहरा एक इच्छा को रखना दिस डीप फॉर कंप्लीट राइट ऑफ गॉड और एक बड़ी इच्छा को रखना कि परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में आ जाए नॉट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ राइटसनेस और धार्मिकता का सिर्फ एक छोटा सा प्रतिशत नहीं इन नॉट अ पार्शियल राइट दूसरे शब्दों में सिर्फ कुछ ही धार्मिकता नहीं बट अ कंप्लीट राइट लेकिन एक संपूर्ण धार्मिकता परमेश्वर व्हाट एवर इज इन्वॉल्व इन दैट एक्सप्रेशन राइटनेस और जो उस शब्द में हम पाते हैं धार्मिकता ब्लेड इज द मैन हु थर्स्ट फॉर द होल ऑफ राइटसनेस और धन्य वो मनुष्य है जो भूखा और प्यासा है वो संपूर्ण धार्मिकता के लिए कंप्लीट राइट एक संपूर्ण धार्मिकता राइचनेस इज द डिवाइन ऑर्डर और धार्मिकता जो है वो दैव एक मांग है डिवाइन लॉ एक स्वर्गीय एक व्यवस्था इन मॉडर्न कंडीशन ऑफ लाइफ और आधुनिक जो जीवन के जो स्थिति है वेरी फ्यू ऑफ अस नो वॉट इट इज टू बी हंग्री एंड और रियली थर्सटी और हमें से कुछ ही लोग जानते हैं कि वास्तव में भूखे और प्यासे कैसे रहना है बट द हंगर दिस बी एटीट्यूड डिस्क्राइब इज नॉट हंग फॉर एनी फिजिकल फूड और इस उपदेश में जो परमेश्वर ने भूख और प्याज का जिक्र किया है वो शारीरिक आहार के लिए नहीं विच खुड बी सैटिस्फाइड विद डे मील और जो जिससे हम कुछ भोजन कहने से हम तृप्त हो सकते हैं दिस थर्स कैनोट बी सैटिस्फाइड विथ कॉफी और विदल ऑफ पेप्सी और ये प्याज जो है कॉफी पीने से या पेप्सी पीने से नहीं मिटाया जा सकता इट इज द हंगर ऑफ अ मैन हु इज इन स्टारवेशन और ये एक ऐसे मनुष्य का भूख है जो मानो बिना खाने के बहुत दिन रहा हो एंड इट इज द थर्स्ट ऑफ अ मैन हु इज डाइंग और who, एक who will die unless he drinks. और एक ऐसा मनुष्य का प्यास है कि जब तक वो अगर वो पानी नहीं पिएगा तो हो सकता है वो मर भी जाए एंड होल ऑफ गॉड्स राइट और एक ऐसा भूख और प्यास है परमेश्वर के संपूर्ण धार्मिकता के लिए एंड इट इज दैट लॉन्ग लॉन्गिंग दैट फॉर गाड एज द डियर पैंड आफ्टर द वॉटर ब्रूक्स और वही एक ऐसे एक इच्छा को रखना जिस प्रकार एक हिरनी जो है उस पानी के लिए इच्छा को रखती है माई डेविड से दाऊद जिस प्रकार भजन बयालीस में लिखता है कि मेरा प्राण जो है तुम्हारे लिए हाफता है इन अनदर साम और दूसरे एक भजन एक्सप्लेन इट दिस वे वो इस प्रकार लिखता है इवन माय बोन्स एंड माय फ्लैश क्राई आउट फॉर यू ओ गॉड कि प्रभु यहां तक मेरे हड्डिया और मांस तुम्हारे लिए पुकारती है वॉट एन इंटेंस हंगर for god और क्या ही बड़ा एक भूख है परमेश्वर के लिए i yet have to meet a man who was thirsting and hungering for god like david used to feel और जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर के लिए इच्छा को प्रकट किया है ऐसे प्रकट करने वाला व्यक्ति आज तक मैं नहीं पा पाया he was so hungry and thirsty for god that he said, even my bones and my flesh cry out और वो इतना भूखा और प्यासा था प्रभु के लिए कि वो कहता है कि यहाँ तक मेरे मांस और हड्डियाँ तक पुकारती हैं द फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल godly लिविंग इज मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए उसका नींव जो है वो यही है To hunger and thirst for God's righteousness. के के you see this in 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 Moses. इस बात को आप मूसा के जीवन में पाते हैं In Exodus chapter thirty-three, verses thirteen and and eighteen. निर्गमन उसके तैतीस अध्याय के तेरा और अठारह पद में वेर Moses is pleading with God. जहां मूसा परमेश्वर से विनती करता है। Lord, if you found favor with me. हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं। I have only one desire for you. मेरी एक ही इच्छा आपके लिए है। Show me your glory. आप अपने महिमा को दिखा दें। What he was asking was Let me have a look at your face. परमेश्वर क्या मांग वो मूसा क्या मांग रहे हैं कि परमेश्वर अपने चेहरे को दिखा दे Let me see you. मैं आपको देखना चाहता हूँ Of course, he was asking an impossible thing. हाँ मूसा यहाँ पर एक असंभव सी बात की मांग रख रहा था क्या हमारे अंदर इस प्रकार का इच्छा है परमेश्वर के लिए The spiritual condition of Christians all throughout their lives, मसीह मसीही जीवनों का जो मसीह लोग हैं उनका जो आत्मिक स्थिति है पूरे जिंदगी भर will depend on their hunger and thirst.

भजन संहिता एक सौ उन्नीस द होल यू रीड वो पूरा भजन अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के लिए के करना परमेश्वर के लिए भूखे रहना और प्यासे रहना एंड थर्डली और तीसरी फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का सहभागिता एंड फिफ्थली और पांचवी बात The righteousness, जो धार्मिकता है पांचवाध्याय छ पद and then the kingdom power। और उसके बाद राज्य का ताकत मैथ्यू चैप्टर सिक्स वर्ष थर्टी थर्टी थ्री मती उसका छठा अध्याय तैतीस पद एंड सच ए पर्सन We long for the return of the Lord Jesus Christ. और तब ऐसा व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के आने का इंतजार करेगा फिलिपींस चैप्टर थ्री वर्सेस एट टू टेन फिलिपियो उसका तीसरा अध्याय आठ से दस पद When I hunger and thirst for God, जब मैं परमेश्वर के लिए भूखा और पियासा होता हूँ, I get more excited about God's will for my life. मैं और उत्तेजित हो जाता हूँ परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए, and uh, for the word, for the word uh, than any financial, for the word of God, for uh, than.

are those who have such kind of a hunger and thirst for God's righteousness. और यीशु कहते हैं धन्य है वो व्यक्ति जो इस प्रकार का भूख और प्यास रखता है धार्मिकता के लिए How about us? हमारे विषय में क्या Another day has come. एक और दिन आ गया है And we all have plans and and, uh, and uh, duties, and then we also have desires. हम सब के पास योजनाएं हैं, अपने कार्य हैं, और इच्छाएं हैं बट वट इज द ग्रेटेस्ट डिसायर ऑफ आर हार्ट लेकिन हमारे हृदय का सबसे बड़ी इच्छा क्या है वी वॉन्ट टू बी ब्लेसड ऑफ द लो अगर हम परमेश्वर द्वारा आशीष को पाना चाहते हैं इज द कंडीशन यही वो शर्त है डिसायरिंग फॉर गॉड मीन्स Desiring for His righteousness. परमेश्वर के लिए इच्छा रखने का अर्थ यही है परमेश्वर के धार्मिकता के लिए इच्छा रखना. Desiring for God's holiness. परमेश्वर के पवित्रता का इच्छा रखना.

थर्स्ट वेन इट कम्स टू यू और वो प्याज जब आपके अंदर आए तो उसको महत्व देंटि उसको किनारे किनारे ना रखे बिकॉज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज अटैच टू दिस डिस यू हैव फोर गॉड क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो है इससे जुड़ा हुआ है जो इच्छा आपके अंदर है परमेश्वर आप आप आशीष पवित्र अपने लोगों से बातें करें। कि आज के दिन, हमारे इच्छा पूरा होने पाएड परमेश्वर स्वयं के लिए मोर दे और परमेश्वर के आशीषों से बढ़कर लेट गॉड बी द ग्रेटेस्ट ब्लैसिंग होने पाए कि परमेश्वर सबसे बड़ी और और उसका पवित्रता धार्मिकता. तब आप परमेश्वर day. को प्रसन्न करने पाएंगे परमेश्वर आप सबों को आशीष दे As यू लिव फॉर हिम जबकि आप उसके लिए जीते हैं Amen. Amen.